तो स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। रोज की तरह आज भी आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज़ लेके। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइए। तो दोस्तों पहला है शुभमन गिल ने लगाया है दोहरा सेंचुरी, इसके बारे में जानेंगे, स्कोरबोर्ड भी जानेंगे दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकता है और भी कई राज्यों में चुनाव है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर पैसा देखकर अगर आप OTT देखते हैं तो उसकी अब ज़रूरत नहीं, YouTube जल्दी ही आपको फ्री कंटेंट दिखाने वाला है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। शुरू करेंगे सुमन गिल के दोहरा सेंचुरी से। दोस्तों 8 छक्के 19 चौके जमा कर किया है कमाल इन्होंने। सुमन गिल ने हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में दोहरा शतक ठोका है दोस्तों, 145 गेंदों में पूरी की डबल सेंचुरी। उसके बाद इन्होंने 23 साल की उम्र में ही ये कमाल कर दिया है दोस्तों। ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी है ओपनिंग बल्लेबाज। इससे पहले ईशान किशन ने भी दोहरा सेंचुरी लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों। तो ये 5वां बल्लेबाज है इंडिया का जिन्होंने दोहरा सेंचुरी लगाया है। सबसे पहले लगाया था सहवाग ने, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, फिर रोहित शर्मा, फिर आपका ईशान किशन, फिर इन्होंने लगाया है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दोहरा सेंचुरी अगर लगाने का रिकॉर्ड है तो इंडिया के ही नाम है, यहाँ ही सबसे ज़्यादा लोगों ने लगाया। रोहित शर्मा ने भी दोस्तों लगाया है, 264 रन का रिकॉर्ड बनाया, जो उनसे ज़्यादा अभी आज तक किसी ने नहीं बनाया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जानते हैं दोस्तों आज और किन्होंने कितना रन बनाया। तो अगर स्कोरबोर्ड देखें तो 34 रन बनाया है रोहित शर्मा ने आज के मैच में। और टोटल स्कोर की बात करें तो 349 पे 8 रहा इंडिया का, और 208 रन बनाया है शुभमन गिल ने। विराट कोहली का आज बल्ला चला नहीं, 8 रन बनाए। ईशान किशन ने भी कुछ खास नहीं, 5 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव भी ज़्यादा नहीं, 31 रन बनाए। आज बस छाए रहे तो शुभमन गिल, बाकी और कोई भी 50 रन तक भी नहीं पहुँचे हैं, अकेले वन मैन शो था दोस्तों आज। तो शुभकामना है शुभमन गिल को, वो एक उभरते हुए सितारा है। तो दोस्तों इनको आज देखते हैं, अब इंडिया का जैसे ही मैच जीतेगा तो शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड जरूर करूँगा। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला न्यूज़ है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, होना है, क्योंकि वहाँ तो अभी उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को। तो अभी वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए दोस्तों काफ़ी समय से। तो जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन, चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव के नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, जम्मू कश्मीर में मौसम और सुरक्षा के हालात को ध्यान में रखकर चुनाव होगा। दोस्तों मतलब सर्दी खत्म होने के बाद हो सकता है कि विधानसभा चुनाव वहाँ कराए जाए, क्योंकि वहाँ जो परिसीमन की का एक दौर चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। परिसीमन आयोग ने उसका पूरा संकेत भी दिया था, कुछ असहमति भी था वहाँ से नेताओं का, पर अब देखा जा रहा है कि वहाँ चुनाव कराने के संकेत दिए गए चुनाव आयोग के द्वारा। तो वहाँ फिर से एक तरीके से कहा जा रहा है कि वहाँ लोकतंत्र की फिर से वापसी होगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ में, पैसा देकर मूवी और शोज देखने की ज़रूरत नहीं, YouTube दिखाएगा बिल्कुल फ्री कंटेंट। तो जैसे आप लोग हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ये सारे सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो ये टेस्टिंग मोड में चल रहा है अभी YouTube का अमेरिका में, और इसे एड के साथ इंडिया में दिखाया जाएगा दोस्तों। यूट्यूब को होगा फ़ायदा, यूट्यूब में फ्री में आप देख पाएंगे सारे, जैसे कोई मूवी रिलीज होता है तो वो सारे मूवी आप यूट्यूब में ऐसे ही एड्स के साथ देख पाएंगे फ्री में, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज शुभमन गिल का एक बड़ा न्यूज़ था दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, इंडिया को शुभकामनाएं हैं, मैच आज इंडिया ही जीतेगी ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल के वीडियो में, नमस्कार।